हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का नर्सिंग गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बात करें आपके यूपी बीएससी नर्सिंग के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं यूपीसी नेट कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। 2025 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। एग्जाम कब होगा, क्या आपको पढ़ना है, सिलेबस क्या होगा और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है अगर हमें सीनेट 2025 क्रैक करना है। गवर्नमेंट कॉलेज से KGMU या फिर AVMU जितने बड़े कॉलेजेस हैं उनके साथ अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो क्या डेट रहने वाली, किन डेट को अपने दिमाग में रखना होगा, क्या मुझे आगे की स्ट्रेटेजी रखनी होगी, वो सब पे आज हम अच्छे से बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप नर्सिंग गुरुकुल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, एक बार वीडियो को ध्यान से पूरा डिटेल देख लोगे उसके बाद कोई अदर वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से पूछने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए ठीक है, अगर आप मान लीजिए गैप लिए हुए हो, ठीक है, ईयर गैप आपका है कि एक साल मैं रुक के तैयारी करूँगा उसके बाद मैं एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूँगा, या फिर इंटर का भी आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है या बोर्ड एग्जाम दोगे उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी होगी उसके बारे में अच्छे से हम बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखा दें कि आप लोग का जो आप लोग का एग्जाम कब होता है, क्या डेट आई हुई है और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले सर हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे आएंगे और देखेंगे कि अप्लीकेशन फॉर्म कब आता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, जो आपका सीनेट का जो यूपी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका जो अप्लीकेशन फॉर्म होता है वो 25 अप्रैल 2024 को आया था और मान में चलना कि इसी डेट में आपका 2025 में भी आपकी यही डेट रहने वाली है, ठीक है। कब रहने वाली है, अप्रैल महीने के मिड में या लास्ट में फॉर्म आ जाता है। तो जैसे भी आएगा टारगेट आपके यहाँ पे गुरुकुल पे, टारगेट्स आपके नर्सिंग पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद लास्ट डेट आप अप्लीकेशन की बात करें तो आपका 29 मई 2024 तक ये फॉर्म भरा गया था, यानी ये भी क्लियर है कि लगभग आप मान चलोगे तो आपको 20 से 25 दिन का समय मिलता है, ठीक है, फॉर्म को भरने के लिए। मतलब फॉर्म अगर आया तो मिनिमम एक महीना फॉर्म रुकेगा और आपको एक मौका मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर्म को भरने की, ठीक। ऐसी बात नहीं फॉर्म आ जाए और कल चला जाएगा, इस चीज़ में आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको परेशान नहीं होना, ठीक। जो आपका एडमिट कार्ड था वो 5 जून को आया और 14 जून को आप लोग का एंट्रेंस एग्जाम होगा, मतलब कि लगभग जून के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपका क्या होगा, सीनेट का कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का आपका यहाँ पे एग्जाम होगा। तो इस चीज़ को भी अपने दिमाग में आपको रखना है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे मेन चीज़ आपने क्या समझा कि अप्रैल में फॉर्म आएगा, मई तक फॉर्म भरा जाता है, जून में हमारा एडमिट कार्ड आता है और जून मिड में यानी 10 जून के बाद हमारा क्या होता है, हमारा एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है। फिर जून लास्ट में हमारा क्या होता है, आप लोग का हमारी काउंसलिंग शुरू होती है, रिजल्ट आ जाता है और हम जिस काबिल रहते हैं, जिस तरह से हमारी तैयारी रहती है वो क्या होता है, वो हम उसके अकॉर्डिंग कॉलेज हमको मिल जाता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम नीचे आएंगे तो अगर बात करें यहाँ पे आप लोग को कॉलेज के बारे में, तो एक आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है वो 4 साल का कोर्स होता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट बहुत सारे कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं। और एक चीज़ से बच्चे पूछते हैं सर कि क्या मैं सीनेट एग्जाम में नहीं बैठा हूँ और मुझे यूपी के किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, मुझे एडमिशन मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई बोले कि आप अगर एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिए हो और मैं प्राइवेट कॉलेज वाला ही क्यों ना हो, आपका एडमिशन नहीं ले सकता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए, यहाँ पे देख लीजिए सर, आपको SGPG IIMS आपको मिल जाएगा, KGMU यहाँ पे आपको राम मनोहर मिल जाएगा, फिर आपको यहाँ पे देखेंगे NLRM में मेरठ, सफाई, लखनऊ और आपके जो भी कॉलेजेस रहेंगे वो सभी कॉलेज में एक एंट्रेंस एग्जाम दे के आप एलिजिबल हो जाते हो, आप एडमिशन ले सकते हो। अगर मान लीजिए इसकी पैटर्न की बात करें, नर्सिंग पैटर्न की बात करें, तो ध्यान सुनना, मैं बोला ना इस वीडियो में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो जानकारी एक बच्चे को चाहिए सीनेट के बारे में सब कुछ मिलेगा। देखो मैंने क्या बताया, एग्जाम आपका कब होगा, जून में होगा, अप्रैल में फॉर्म आएगा, इतना क्लियर हो गया। अब मुझे किसी भी कॉलेज एडमिशन लेना, मुझे सीनेट यानी आपको किसी भी यूपी में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आपको सीनेट एग्जाम में बैठना पड़ेगा, ठीक। बैठना पड़ेगा सर, बता दीजिए क्या इसका सिस्टम है, देख लो। तो पहले यहाँ पे क्या होगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश, यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड, कोई भी मीडियम का बच्चा हो, हमारा जो बैच चलता है, जो हम लोग तैयारी करवाते हैं वो दोनों मीडियम में करवाते हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, और सेम आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक। चलो, हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक मेन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, समान आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन आपके रहेंगे, इन चारों ऑप्शन में जो राइट आंसर है उसको आपको बताना होगा, ठीक। चलिए, फिर यहाँ बात करें अगर आप लोग के यहाँ पे टोटल आपके नंबर की, तो 200 नंबर पेपर आपका होता है, क्लियर। आपका क्या होगा, आपका 200 नंबर का आपका पेपर होगा और 200 क्वेश्चन भी आपके होते हैं, ठीक।
मतलब यहाँ पे इच क्वेश्चन 1 मार्क आपको यहाँ पे मिलता है, तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क का आपका पेपर हो गया। मीडियम मैंने बताया आपको कि इंग्लिश और हिंदी दोनों हो गया, ठीक। इसके बाद आपका क्या क्या पूछता है, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, फिर फिजिक्स, फिर वहीं केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपका इंग्लिश, आपके इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड की क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब क्लास 12 से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। और 11 का पोर्शन विश्वविद्यालय ने बोला मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। परेशान ना हो, जिस प्रकार से आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जा रही है बेसिक से लेके, उसी प्रकार से बेसिक से लेके आपको पूरा एडवांस लेवल तक तैयारी भी करा दी जाएगी। चलो ये क्लियर हो गया सर, क्या पूछेगा हमें, नर्सिंग एप्टीट्यूड मुझे पढ़ना है, ठीक है, फिर फिजिक्स हमें पढ़ना है, ठीक है, हमें केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है और यहाँ पे क्या करना है, हमें इंग्लिश पढ़ना है। अगर इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आपका कमजोर है, कोई सब्जेक्ट में अगर लापरवाही करोगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सबका वेटेज आपका 20% आपको दिख रहा है, ठीक। चलो क्लियर हो गया सर, 200 नंबर का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका टोटल यहाँ पे देखा जाए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम रहेगा और ये हमें 5 सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ेंगे। ये देख लो, ये बायोलॉजी का सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं स्क्रीन से थोड़ा साइड हट जाऊँगा। ये आपका बायोलॉजी का सिलेबस हो गया। इसके बाद आपका केमिस्ट्री सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा यूनिट वाइज हमने लिख के यहाँ पे रखा हुआ है। अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपको पूरे सब्जेक्ट दिए गए। इंग्लिश में आपको कौन कौन से ग्रामर से पोर्शन पूछने, टेंस और आपके टाइम्स, प्रिपोजिशंस, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो पूरा आपको मैंने इंग्लिश का सिलेबस मैंने दिखा दिया। अगर नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मुझे पता है खास करके बच्चे क्या करते हैं, इसमें आपका 100 out of 100 स्कोर करके बच्चा आता है, ठीक है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होता है, उसको पढ़ने में मज़ा आता है भाई, कि बहुत सारे हमें एसेसरीज के बारे में जानना मिलता है, नर्सिंग की कुछ चीज़ों के बारे में समझना पड़ता है और जो हमारे टीचर जो पढ़ाएंगे आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उनसे पढ़ोगे तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको, ठीक। कोई भी प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे ऐसा नहीं मिलेगा जो इस प्रकार के फैकल्टी के साथ आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो, ठीक। मैंने बोला यहाँ पे कि आपको 5 सब्जेक्ट है तो 5 के 5 सब्जेक्ट की एक एक्सपर्ट फैकल्टी आपको मिलेगी। अब जो बच्चा यहाँ से कोर्सेज शुरू होने वाले हैं, क्लासेज में जब बैठेगा उसको क्या होगा, आराम से उसको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। चलो तो मैंने क्या बोला कि ये सारे PDF जो होंगे, एक चीज़ ध्यान देना, ये जो PDF सर होगा ये PDF टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप में आपको मिल जाएगा। अगर आप बोलोगे कि सर क्या कैसे तैयारी करनी है इसके बारे में बता दीजिए, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि टारगेट गुरुकुल ने अपना आरंभ बैच लॉन्च कर दिया है। खास करके यहाँ पे 1-stop solution है, जितने भी UP में BSc नर्सिंग कोर्सेज होते हैं किसी भी कॉलेज में, किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट, आपके लिए सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब कि आपको देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस कराएंगे हम, रिकॉर्डेड और लाइव दोनों सेशन होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट और प्रैक्टिस सेट आपके मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लासेस इन बोथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पूरा PDF नोट सब कुछ बाइलिंगुअल होगा। फुल लेंथ टेस्ट भी देंगे कि कैसे BSc नर्सिंग का टेस्ट कैसा आता है। आपको एंट्रेंस एग्जाम से पहले एक बार और एंट्रेंस एग्जाम के फील हम करवाने वाले हैं, हर साल कराते हैं, आप बहुत बच्चों का रिव्यू देख सकते हो। चलो ठीक है, लाइव डाउट सेशन होगा, अगर बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है सर कि मुझे बहुत सारे डाउट्स हो गए हैं, हालांकि संडे टू संडे हम डाउट सेशन रखेंगे, उसमें क्वेश्चन पूछ लेना। DPP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगी, यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस और आपके जो भी कोर्स रहेगा, ये आपका क्या होगा, ये कोर्स आपका आपके एग्जाम तक क्या होने वाला है, वैलिड रहने वाला है, क्लियर। चलिए और कोर्स के प्राइस की बात करें तो अब प्राइस आपके सामने है और इस प्राइस पे इतना बेहतरीन कंटेंट, ये सारी चीज़ें आपको जस्ट 699 में आपको मिलने वाली है। ये कोर्स की जो प्राइस है सर ये 5 तारीख तक है, कब तक है, ये 5 तारीख तक कोर्स में अगर इनरोल कर लोगे तो कोर्स की प्राइस यही रहने वाली है। और इसके बाद आप इनरोल करते हो, ठीक है, 5 आप मान लो कि अक्टूबर नवंबर के बाद आप इनरोल करोगे तो आपका क्या होगा, आपका जो ये कोर्स है इसकी वैलिडिटी जो होगी वो आपकी बढ़ जाएगी, जो ये प्राइस है ये आपकी इंक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है और जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चंस हो, टारगेट मोबाइल ऐप में डाउनलोड करना, नंबर भी आपको दिया गया है स्क्रीन में, नंबर पर भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं कोई डाउट हो तो। और हाँ, जो मैंने PDF आपको बताया, जो मैंने सिलेबस पूरा आपको मैंने दिखाया है सर, ये सारे सिलेबस आपके टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी टारगेट गुरुकुल, ठीक है। अब तक 20-25 हज़ार से अधिक बच्चे हमारे ऐप के माध्यम से पढ़ाई कर चुके हैं और आगे कर रहे हैं, ठीक है, तो निश्चिंत रहो, टोटल लाखों का परिवार हमारा हो चुका है। और जितने हमारे प्रीवियस ईयर की बात करें, 2023 एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, तो काफ़ी अच्छे खासे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कम्युनिटी पे जाओगे, इंस्टाग्राम पे जाओगे, जहाँ भी देखना चाहो आप आराम से देख सकते हो टारगेट गुरुकुल के बारे में, ठीक है। चलिए, नर्सिंग गुरुकुल के माध्यम से नर्सिंग में जो भी बच्चों की परेशानियाँ थी उसको दूर करने का पूरा प्रयास टीम ने किया है। और एक बार टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है आपको, डाउनलोड करते ही आपको जैसे नर्सिंग
फील्ड में आप नर्सिंग गुरुकुल को सेलेक्ट करोगे, सेव करोगे, आपको वहाँ सिलेबस का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, सिलेबस पे क्लिक करते ही ये पूरी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट, एक रुपया पेमेंट इसका नहीं करना है। जैसे ही सिलेबस पे क्लिक करोगे ये सारे की सारी पीडीएफ क्या करोगे आप आराम से एक्सेस कर सकते हो, ये देख सकते हो, वहाँ नोट कर लो कॉपी पे, जाके मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक, कोई और दिक्कत होगी, कोई समस्या होगी, हम आपके साथ हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप की आपकी जो बना हुआ है उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से ज्वाइन कर लो। उम्मीद करेंगे अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आराम से हम आप और साथ में पूरी टीम जो होगी अब नर्सिंग की जो तैयारी है वो साथ में करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पैटर्न, डेट सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया, वीडियो का समझ में नहीं, एक बार फिर से ध्यान से वीडियो देखोगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना, माइनस मार्किंग यहाँ नहीं होती है, पैटर्न हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम होगा, कोर्स में भी हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, बेसिक से चीज़ें उठाएंगे, मतलब पहला चैप्टर उठाएंगे, पहले चैप्टर कहाँ से शुरू होता है उसका बेसिक पहले रेडी करेंगे। ठीक है, बोलते हैं ना कि अगर घर की नींव जो होती है वो मजबूत होती है तो घर हम कितना भी फ्लोर का बना दें कोई उसमें दिक्कत नहीं होती है। अगर आपकी नींव ही गड़बड़ है और बाद में आपको दिक्कत आए, समय तैयारी नहीं हुई है, ये परेशानी है, ये मैं अपडेट कम बचा है, टाइम कम बचा है, तो फिर दिक्कत होगी। अगर आप स्टार्टिंग से आपका नींव मजबूत है ना फिर दिक्कत नहीं, भूकंप आएगा भी तो भी नहीं डरोगे भाई कि मैंने तो घर को बहुत मजबूती से बनाया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट प्यार करने के लिए। एक बार ऐप डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक मैंने दे दिया है। ठीक है, डाउनलोड करके सिलेबस देख लो और कोर्स में इनरोल कर लो। थैंक यू।